मेरे भाई अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा तहलका मचा रहा है कुछ इस टाइप का विंग प्लस अपना नाम वाला फोटो एडिटिंग। और अभी मैं आप लोग को इस तरह का फोटो को कैसे जनरेट करता है वो मैं बहुत ही आसान तरीका से बता दूंगा। और हमें नहीं लगता है कि हमारे इतना आसान तरीका से और कोई भी आप लोग को बताएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो कम्प्लीट वॉच करे। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइज, सबसे पहले तो आप लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते रहिए, मतलब ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपने फ़ोन में कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, तो आप लोग भी क्रोम को ही कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा एक सर्च बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या सर्च करना है ये आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो सर्च करना है आप लोग को यहाँ पर BING विंग AI इमेज जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में ही आपको वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो इसका ये लोगो है, सर्च वाला लोगो, इससे आप पहचान सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत ही कम स्टेप है, यानी कम प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, तो आप लोग को यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना है। और कहाँ से लाना है उसका मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वो आप लोग वहाँ से जाके इसको ला सकते हो। जैसे कि मैंने इसको व्हाट्सअप में लिख के रखा है और यहाँ से इसको कॉपी कर है, और आप लोग भी वहां से डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद यहां पे फाइनली आके कर देना होगा पेस्ट, ठीक है। तो यहां से मैं कर लेता हूं पेस्ट। और इसमें भी आप लोग बहुत सारा कुछ चेंजिंग कर सकते हो, जैसे कि नाम वाम सब कुछ चेंजिंग कर सकते हो। जैसा कि यहां पे सबसे पहले तो आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप बॉय है या फिर गर्ल है, तो मैं बॉय का पहले बना देता हूं। तो यहां पर बॉय रखते हैं, ठीक है, बॉय रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग यहां पर शर्ट या फिर कलर, शर्ट का कलर चेंज कर सकते हो, हुडी रख सकते हो, टी शर्ट रख सकते हो, ब्लैक है तो इसको रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको शर्ट का कलर रेड कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, जैसे कि ये रहा, ये है आपका नाम, ठीक है, मेन तो ये है, तो इसको आप लोग को कट कर देना है। ये मोहित लिखा हुआ है तो इसको हम कर लेते हैं अपना नाम, यानी अमित, ठीक है। तो अमित कर लेते हैं। और अमित करने के बाद यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, लेकिन कर सकते हो बहुत कुछ, अभी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने से पहले आप लोग को लॉगिन करना होगा। अगर आप लोग को लॉगिन करना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप लोग जाके सर्च कर लेना, ठीक है। और लॉगिन करने का तरीका आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे, बहुत ही ईजिली है, आप लोग ऐसे भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर देना। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपके नेट पे डिपेंड पड़ता है, यानी आपका नेट अगर ज़्यादा फास्ट है तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही जल्द आपका फोटो सब जनरेट होके आ जाएगा नाम वाला। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना सारा आप लोग को यहाँ पे अपना नाम, यानी इस तरह का AI जनरेट फोटो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो भी पसंद आती है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मुझे तो ये पसंद आती है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद अगेन आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, एक छोटा सा आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे कर लेंगे क्लिक, तो फोटो जो है ये मतलब AI जनरेट वाला फोटो आपके गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो यही प्रोसेस था इस तरह का फोटो को जनरेट करना, यानी बनाना। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।